तीन प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज बाप दादा अपनी स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीन विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। यह तीनों विशेषताएं जिसमें समान हैं, वही विशेष आत्माओं में नंबर वन आत्मा है। स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी, वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं, जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूह रिहान करने में लग जाए तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कहे कि मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं, तो पढ़ाई के समय क्या यह राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ खिचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव जिस समय जैसा संबंध वैसे समय के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में
इतना लवलीन रहते, मग्न रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता है, इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर वन यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? यह है नंबर वार स्नेही की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है, व समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना? आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली, तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी है। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना? प्रैक्टिस है ना? जब जहां बुद्धि को स्थित करने चाहो ऐसे कर सकते हो ना? कंट्रोलिंग पावर है ना? रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो, और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा? इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तब ही राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा? आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है। देखो संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बंध सकते हो। संख्या से ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है। वतन में यह सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा? फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा? बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ और बढ़ा रहे हैं, यह तो अनुभव कर रहे हो ना? सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया में सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं।
जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह रिहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है, भल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा, कराते सबसे हैं लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता, लोक भी वह तो शरीर भी वह, तो क्या अनुभव होता होगा, जान सकते हो ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिवान बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में स्व उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। एक, सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिकर किस बात का, जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिकर होता है, क्या होगा कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिकर किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। और बाप तो सागर है, उसमें फिकर रहेगा ही नहीं, तो बाप भी बेफिकर और बच्चे भी बेफिकर हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है लेकिन बोझ नहीं होता है। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति। कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिकर। जब बाप ऑफर कर रहा है कि फिकर दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे, बाप की ऑफर है।
बोझ छोड़ो तो सदा बेफिकर रहना है और दूसरों को बेफिकर बनने की अनुभव से विधि बतानी है। बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिकर ले लो तो दिल से दुआएं देंगे तो स्वयं भी बेफिकर बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेंगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो, बादशाह को क्या परवाह, विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है, लेकिन यह अविनाशी है। अच्छा, दो, अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख, दोनों के अनुभवी होना। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आपे ही पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आपे ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं, जहां परमार्थ होता है वहां व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आपे ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाए, नहीं तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज ही विनाशी है, उससे मिलेगा ही क्या। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं। दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेगा, फंसेगा नहीं। अच्छा, तीन, सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझते हो। जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसा लगता है कि यह हमारा यादगार है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमजोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाए हैं। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है। कौरव आक्षोणी होते भी हार गए और पांडव पांच होते भी जीत गए। क्यों विजयी बने? क्योंकि पांडवों के साथ बाप है, पांडव शक्तिशाली हैं, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए आक्षोणी कौरवों की शक्ति उनके आगे
कुछ भी नहीं है। ऐसे होना कोई भी सामने आए, माया किस भी रूप में आए, तो भी वह हार खाकर जाए, जीत ना सके। इसको कहते हैं विजयी पांडव। माता ये भी पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाली हो। जो कमजोर होता है वह घर में छिपता है, बहादुर मैदान में आता है। तो कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में? तो सदा इसी नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। 4. अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में ना मैं है ना मेरा है, सब बाप का है। मैं भी बाप का तो सेवा भी बाप की। इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो। बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद बाप, बेहद सेवा और बेहद राज्य भाग्य। यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगी। अच्छा, विदाई के समय अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करे तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ाने की। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लान बनाए, जरा भी कुछ यहाँ वहाँ का मिक्स न हो। जैसे कोई बढ़िया चीज बनाकर रखो और यहाँ वहाँ की हवा से कुछ खिचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? तो संभाल कर रखते हैं ना, तो यहाँ वहाँ का कुछ भी मिक्स नहीं हो जाए। ऐसे सेवा के प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है, क्योंकि लगन से करते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा सेवा का उमंग देख करके खुश भी होते हैं। सिर्फ मिक्स न हो तो जितने समय में सेवा हुई है उससे 4 गुना हो सकती है। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता है ना कि यह करे यह न करे, यह तो नहीं होगा वह तो नहीं होगा। लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए, जिसने किया वह अच्छा, जो किया वह अच्छा, यह पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है। लेकिन अभी के हिसाब से विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो सभी कोने तक पहुंचे हैं। कहां 550 करोड़ आत्माएं
और कहां संदेश पहुंचा होगा तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक। बाकी कितने पड़े हैं? हाँ, यह राजधानी के नजदीक वाले पहुंच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब। वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन देना तो सबको है। एक भी बाप का बच्चा वंचित तो नहीं रह जाए। कैसे भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है। चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने, इसके लिए चाहिए तीव्र गति। यह भी समय आ रहा है, होती जाएगी। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपने बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे हैं। चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, लेकिन भारत की फिलॉसफी को अंदर से रिगार्ड देते हैं, क्योंकि भारत की फिलॉसफी में सब प्रकार की रमणीकता है, ऐसे और धर्मों में नहीं है। कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से भारत की फिलॉसफी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, वैसे और धर्मों में कहां भी नहीं है। इसलिए जो एकदम कट्टर रहे हैं, वह भी अंदर अंदर समझते हैं कि भारत की फिलॉसफी, उसमें भी आदि सनातन फिलॉसफी कम नहीं है। वह भी दिन आ जाएंगे जब सब कहेंगे कि अगर फिलॉसफी है तो आदि सनातन धर्म की है। हिंदू शब्द से बिगड़ते हैं, लेकिन आदि सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे। गॉड एक है तो धर्म भी एक है। हम सबका धर्म भी एक है। यह धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। अच्छा, वरदान मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इसमें आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्लोगन: जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं, उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। ओम शांति।